वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर यूनिट था, तो वो यूनिट आप लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद पिछले क्लास में हम बोले हुए थे कि अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे, तो चैप्टर नंबर टू। अब दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां समझना गया। अब हम सीखेंगे कि आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम भिन्न के बारे में बता रहे हैं। भिन्न है क्या, तो यहां हम लिख देते हैं भिन्न। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। किसी दी गई संख्या में अंश व हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं, यहां गौर से देखिए, किसी दी गई संख्या में अंश व हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर का जो अनुपात है, कोई भी दी हुई संख्या में अंश व हर का जो अनुपात है, उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि जैसे 2:3, क्या देखिए 2:3, इस अनुपात के बारे में हम चर्चा किए हैं, तो बता देते हैं ये जो सिंबल है ये अनुपात का सिंबल है। तो 2:3, इस 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये जो 2/3 हुआ, इसी 2/3 को ही हम भिन्न कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। भिन्न का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहां देखिए फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो आप समझ गए, फ्रैक्शन इक्वल्स टू अंश बट्टा हर। कोई भी संख्या जो लिखा रहता है अंश और हर के अनुपात में, उसमें उसका पहला जो ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? हर। कोई आपसे पूछे ये 2 क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 को हम अंश कहते हैं। ये 3 क्या है, तो 3 के बारे में बताएंगे कि 3 को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और इन दोनों के बारे में पूछा जाए कि 2/3 क्या है, तो 2/3 एक भिन्न है। तो यहां हम भिन्न का डिफिनेशन पढ़ने के दौरान 3 चीज के बारे में जानकारी हुआ। पहला कि अंश क्या होता है, दूसरा भिन्न क्या होता है, और तीसरा कि अंश हर और तीसरा भिन्न। ये तीनों चीजों के बारे में आप जानकारी यहां प्राप्त किए। इस डिफिनेशन को हम एक और तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि 2 या किसी भी प्राकृत संख्या को, या 2 प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को, 2 प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को हम भिन्न करते हैं। इस तरह से भी हम डिफिनेशन को यहां क्लियर कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं अथवा कर देते हैं एक और डिफिनेशन जो आप इस भिन्न का दे सकते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं के, 2
प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहां दो तरह का डिफिनेशन आपके सामने में है, इस दोनों डिफिनेशन को आप याद कर लेंगे और ठीक से समझ लेंगे कि अंश क्या है, हर क्या है, और अंश बढ़ते हर को भिन्न कहते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी दिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका दो तरह से डिफिनेशन हम दे सकते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जहां हम एग्जांपल में लिख सकते हैं 2/3, 3/4, 5/7, 9/8, डॉट। यहां हम इस तरह का जो है एग्जांपल एक फ्रैक्शन के लिए हम ले सकते हैं। इसमें ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, और इस पूरे पार्ट को हम एक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कोई आपसे पूछेगा इसमें कि अंश कितना है, तो 2, हर कितना है 3, फ्रैक्शन कितना है तो 2/3। इस तरह से हम इसका डिफिनेशन देंगे। आगे हम इसके बारे में इसका एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताएंगे कि आखिर में फ्रैक्शन ठीक से समझने का कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। अभी हम डिफिनेशन के द्वारा बताए हैं, एक एग्जांपल लेकर हम भिन्न को हम डिफाइन करेंगे। चलिए फ्रैक्शन का डिफिनेशन तो आपको बता दिए, अब हम नीचे में कुछ एग्जांपल लिखे हुए थे, उस एग्जांपल के बारे में भी थोड़ा सा हमको डिफाइन करना है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या काम है इस फ्रैक्शन का, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम उसमें दैनिक जीवन से जोड़ के बताएंगे कि आखिर में फ्रैक्शन है क्या। यहां देखिए, सपोज करते हैं कि मेरे पास 3 आदमी है, 1A, B और C, ये 3 व्यक्ति है मेरे पास, और मेरे पास मान लेते हैं 6 रुपया है, सपोज करते हैं 6 रुपया मेरे पास है, और मुझे कहा जाए कि तीनों में बांटना है 6 रुपया को, तो हम इसको भी दे देंगे 2 रुपया, इसको भी दे देंगे 2 रुपया, और इसको भी दे देंगे 2 रुपया। यहां 2-2 रुपया करके तो हम बांट दिए, क्योंकि यहां पर 6 रुपया था, 3 भाग में बांटना था, 2-2 रुपया करके बांट दिए। यहां मुझे जैसे लग रहा है कि फ्रैक्शन दिख नहीं रहा, लेकिन फ्रैक्शन है। यहां देखिए 2/1, 2/1 और 2/1, मतलब इस अमाउंट को हम 3 भागों में बांटे, तो 3 भागों में बांटे तो 2/1, 2/1, 2/1, तो ये फ्रैक्शन हो गया। कहेगा कि इसमें अंश कितना है तो 2, हर कितना है 1, इसी तरह से सब में अंश 2 और हर 1। इतना भाग इसको दिया गया, इतना भाग इसको दिया गया, इतना भाग इसको दिया गया। अब इस तीनों भाग को यदि हम ऐड कर दें, इस तीनों भाग को ऐड कर दे तो एलसीएम तो 1 ही आएगा। यहां 2+2+2, तो यहां हो गया 6/1 = क्या हो गया, 6 हो गया। यहां पे किसी अमाउंट को, किसी वस्तु को यदि मुझे बांटना है तो बांटने वक्त में फ्रैक्शन की आवश्यकता होती है। अब यहां पर देखिए, इसमें तो डायरेक्ट बट गया 2-2 करके, फ्रैक्शन के रूप में आप चाहते हैं 3/4, 4/5, ई कैसे आ जाता है, ई कैसे आता है, उस पर हमको डिस्कस करना है। फिर से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं फिर वही एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा नया चीज फिर देखने को मिलेगा। जैसे मेरे पास 3 आदमी है, A, B और C, इस बार मेरे पास 7 रुपया है, कितना रुपया है, 7 रुपया। इसको अब हम 3 भागों में कैसे बांटेंगे, तो आप जानते हैं कि 2-2 रुपया करके यदि हम दे दें, 2-2 रुपया दे दें तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 1 रुपया आपके पास बचा। अब इस 1 रुपया को किस तरह से बांटा जाए जो एक फ्रैक्शन का रूप लेगा।
अब एक रुपया को आपको सबसे पहले देखना है कि कितना आदमी में बांटना है, तो एक रुपया को तीन भागों में बांटना है। तो इसका मतलब हो गया एक जो रुपया आपके पास रेस्ट बचा, यहां पर छह रुपया कैंसिल होकर बचा एक रुपया, इस एक रुपया को तीन बराबर भागों में बांटना है। दैट मीन्स 1/3, 1/3 और 1/3। यहां देखिए, यहां आप समझेंगे ठीक से। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि एक रुपया को या एक वस्तु को तीन भागों में बांटना, क्योंकि हमको तीन भागों में तीन आदमी को देना है, तो इसका कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वो एक आदमी के लिए हुआ। तो क्योंकि हमको बराबर बराबर बांटना है तो 1/3 कर देंगे हम। अब दो रुपया इसको पहले से दिए हुए हैं और इसमें हमको 1/3 भी ऐड करना है। इसका मतलब एक आदमी को 2+1/3 इतना जो है हमको रुपया देना है। अब यहां आ जाइए, इसको भी हमको क्या किए उतना ही देंगे, इसको भी उतना ही देंगे। यहां देखिए, अब ये फ्रैक्शन यहां भिन्न जोड़ करेंगे, 3 × 2 = 6 और 1 कितना हो गया 7/3। इसका मतलब ए को 7/3 रुपया दिया गया, मतलब इतना भाग उस रुपया का, इतना भाग 7/3 क्या किया गया ए को दिया गया, 7/3 बी को भी देना है और 7/3 सी को भी देना है। ठीक है, मतलब इस 7 रुपया को कहा जाए तीन भागों में बांटिए तो कहेगा कैसे कैसे बांटना है, या 7 रुपया कह सकते हैं, 7 वस्तु कह सकते हैं, 7 चीजों को हमको तीन भागों में बांटना है तो एक आदमी को कितना देना है, तो हम कहेंगे 7/3। दूसरा को भी 7/3, तीसरा को भी 7/3। इसका मतलब ये हो गया कि यदि एक अमाउंट को तीन भागों में बांटे हैं तो तीनों भागों को जोड़ेंगे तो वही अमाउंट होना चाहिए, वही वस्तु होना चाहिए। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं, यहां देखिए, तो एलसीएम कितना हो गया 3, तो 7+7+7 तो 7 कितना हो गया 21/3, 3 × 21 आपका 7 वस्तु का पता चल गया। इस तरह से क्या होता है, किसी भी वस्तु को कितना आदमी बांटना है, कितना कितना करके बांटना है, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं बट्टा वाला डिजिट नहीं आ पा रहा है, सिंपल डिजिट इसी हम 6 लिए थे ताकि आप कह सके कि 6 रुपया को तीन भागों में बांटना है तो 2-2 रुपया करके दे दीजिए, तो बट्टा नीचे वाला डिजिट नहीं दिख पा रहा है और इसमें क्या हुआ एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इस एक एक्स्ट्रा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, कैसे फ्रैक्शन में लिखें ताकि हम तीनों भागों में बांट सके, तो इस तरह से फ्रैक्शन का जो है निर्माण होता है। इस तरह से हम किसी भी चीजों को कितने टुकड़ा में बांटना है, कितने भागों में बांटना है, कितना बाई कितना एक आदमी को देना है, इस चीज के बारे में हम फ्रैक्शन में ही पढ़ते हैं। यदि फ्रैक्शन का आपको नॉलेज है तो किसी भी चीज को कितनों टुकड़ा में बांटना है तो आप आसानी से बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, भिन्न के बारे में आप जान गए, भिन्न क्या होता है, भिन्न का यूज समझ में आया, कैसे हम किसी भी वस्तु को, किसी भी पैसे को, किसी भी चीज को कैसे हम बांटेंगे, किस तरह से बाय में किसी फ्रैक्शन में किस तरह से बढ़ता है और सभी पार्ट को फिर जोड़ते हैं तो कैसे फ्रैक्शन एक एग्जैक्ट फ्रैक्शन तैयार हो जाता है जिस फ्रैक्शन को मुझे उतने भागों में बांटना है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के प्रकार। फ्रैक्शन का जो प्रकार है भिन्न का प्रकार, यहां हम देंगे भिन्न का प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो भिन्न का प्रकार जो है टोटल 7 है, 7 प्रकार के बारे में हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 7ों फ्रैक्शन को एक बार नहीं लिख रहे, हम बारी बारी से लिखेंगे और उसको हम समझाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है उचित भिन्न,
उचित भिन्न क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न को अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, उचित भिन्न क्या है? ये भी तो भिन्न की तरह ही होता है, लेकिन इस भिन्न में एक खास बात देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब खास बात क्या है ये देखिए। वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम कम हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। वे भिन्न जिनमें अंश का जो मान है वो हर के मान से कम। एग्जाम्पल में जैसे 1/3, 2/7, 3/5, 4/5, 7/11, .. ये भी फ्रैक्शन है। यदि कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन है। लेकिन यदि फ्रैक्शन में आपसे पूछे कि ठीक है ये भिन्न तो है लेकिन मुझे ये बताइए कौन सा भिन्न है, तो वैसे कंडीशन में हम बताएंगे कि इस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्यों? प्रॉपर भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश का वैल्यू है वो हर के वैल्यू से क्या है, कम है, इसलिए हम इसको कौन सा भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। डिफिनेशन इसका हम जिस तरह से दिए हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। वो दूसरा तरीका डिफिनेशन क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा भिन्न या वे भिन्न जिसमें अंश की अपेक्षा हर का मान अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये चीज को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही डिफिनेशन में जो ओरिजिनल बात है वो मूल बात है वो आप समझ गए कि अंश हमेशा छोटा होगा हर की अपेक्षा, या हम कह सकते हैं हर हमेशा बड़ा होगा अंश की अपेक्षा। ठीक है, इसको हम स्टार देकर एक और बात लिख देते हैं, उसको याद रखिएगा कि उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको और नोट करते जाएंगे आप लोग, जितने सारे डिफिनेशन हम लिखा रहे हैं सारे डिफिनेशन को नोट करेंगे, परिभाषा को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आप बारीकी रूप से A to Z बातों को पढ़ सके और उसको समझ सके। ठीक है, उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा उचित भिन्न कौन सा है, चार ऑप्शन में बताए, तो आप डिफिनेशन याद रहेगा, एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, या उचित भिन्न को कौन सा भिन्न कहते हैं तो उसे सम भिन्न कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उचित भिन्न आप समझे। सबसे पहला टाइप था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का, पहला जो हम बताए थे वो बताए थे आपको उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं, दूसरा है इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है आपको, वो था उचित भिन्न, ये है अनुचित भिन्न। ये कौन सा भिन्न है, अनुचित, अनुचित भिन्न इसको कहेंगे आप।
अनुचित भिन्न को अंग्रेजी में कहेंगे इम्प्रोपर, इम्प्रोपर, इम्प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रोपर फ्रैक्शन इसको कहेंगे। ये अनुचित भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। वे भिन्न, वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के अंश का मान हर के मान से अधिक हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या देखिए, वे भिन्न जिसमें अंश का जो मान है, अंश का जो वैल्यू है, वो हर के मान से अधिक होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम यहां 5 लिखे, अंश का मान 5 लिखे, तो हर का मान 5 से कम होना चाहिए। तो कम करने का मतलब आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, यदि ऊपर 7 लिखे तो आप 5 भी लिख सकते हैं, 8 लिखे तो आप 7 भी लिख सकते हैं, डॉट। तो ये भी एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है, लेकिन इस फ्रैक्शन में खास बात देखने को क्या मिला आपको कि अंश का जो वैल्यू है वो हर के वैल्यू से क्या है, अधिक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न, इम्प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन का भी एक और नाम होता है, तो यहां हम स्टार देकर बता देते हैं, अनुचित, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अनुचित जो भिन्न है उस भिन्न को हम विषम भिन्न के भी नाम से जानते हैं। तो कोई आपको विषम भिन्न कहे तो भी यही एग्जाम्पल होगा, और अनुचित भिन्न कहेगा तो भी यही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो अभी हम फ्रैक्शन का दो टाइप के बारे में जाने, उचित भिन्न और दूसरा पढ़े आप अनुचित भिन्न, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, चलिए मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, इसमें पूर्ण संख्या और सम संख्या, सम भिन्न कर सकते हैं, सम संख्या नहीं, सम भिन्न, इसमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में होते हैं, उसे मिश्र भिन्न करते हैं। यहां गौर कीजिए कि इसमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न, सबसे शुरू में पढ़ाए थे आपको सम भिन्न, उसी को हम उचित भिन्न करते हैं। उचित भिन्न में क्या देखने को मिला आपको कि अंश का जो वैल्यू है वो हर के वैल्यू से क्या है, कम है। पूर्ण संख्या के रूप में भी होगा, जैसे इसका एग्जांपल जब भी आप लिखेंगे तो जैसे 2 पूर्णांक लिखे यहां, तो यहां 1/3 लिख सकते हैं। यहां देखिए ये जो पार्ट है ये तो हो गया पूर्ण संख्या वाला पार्ट 1/3, ये जो 1/3 हुआ ये सम भिन्न है, इसी को उचित भिन्न, प्रोपर भिन्न कहते हैं। इसमें अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से क्या है, कम है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे
ऐसा किस तरह से हो जाता है इसके लिए हम छोटा सा नीचे बताएंगे आपको। पहले यहां देखिए, उसके बाद पांच पूर्णांक दो बट्टे यहां पर, यहां थ्री भी हो सकता है, सेवन पूर्णांक वन बाय फाइव भी हो सकता है, डॉट डॉट। ये जो पार्ट है ये कैसे आया उसको समझ। कभी भी ऊपर वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा और नीचे वैल्यू क्या होगा कम। यदि हम लेते हैं, यदि इस पार्ट को लेते हैं तो इस पार्ट को यदि हम यहां डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक पूर्णांक एक बट्टा तीन लिख सकते हैं। तो ये एक पूर्णांक एक बट्टा जो तीन आया, तो ये जो पूर्ण पार्ट आया, पूर्ण संख्या वाला पार्ट, ये जो पूर्णांक वाला जो पार्ट आया, तो ये पूर्णांक में क्या देखने को मिला आपको कि ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होगा और नीचे वाला वैल्यू कम होगा, तो ही आप नीचे से डिवाइड करेंगे तो इस तरह का पूर्णांक देखने को मिलेगा। और इस पूर्णांक में ये पूर्ण संख्या वाला पार्ट और सम भिन्न वाला पार्ट जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जहां भी कोई भी चीज आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न का एक और नाम है जिसको हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहां स्टार्ट कर लिख देते हैं, मिश्र भिन्न को संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। याद रखेंगे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है मिश्र भिन्न नहीं रहे, कहे संयुक्त भिन्न कौन सा है, तो आपको पता रहेगा कि मिश्र भिन्न को ही संयुक्त भिन्न कहेंगे, तब ना आप ऑप्शन में चार गो ऑप्शन में खोज लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर में टिक मारिएगा। तो आज तीन जो है टाइप पर हम चर्चा किए फ्रैक्शन का। अब नेक्स्ट जो क्लास मेरा होगा उस नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट जो बचा हुआ है टाइप ऑफ फ्रैक्शन का कुछ पार्ट, जैसे तीन हुआ है तो चार जो है फ्रैक्शन का और पार्ट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।